जय हिंद। तो इस समय एक बहुत ज़्यादा अफवाह चल रही है, और वो अफवाह क्या है वो मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो क्या डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कि 2022 में अभी एग्जामिनेशन दिया है, क्या इनको नवंबर महीने में होने वाले एग्जिट एग्जामिनेशन में शामिल होना होगा, पार्टिसिपेट करना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। आपको एग्जिट एग्जामिनेशन 2022 में नहीं देना है, आपको एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा 2023 में, जब आप अपनी डिप्लोमा इन फार्मेसी को कम्प्लीट कर लेंगे। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना गैजेट को पब्लिश किया था, उसमें अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर लिखा है कि आप एग्जिट एग्जामिनेशन का ऑनलाइन फॉर्म तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपकी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के किसी सब्जेक्ट में बैक न लगी हो, कोई भी सप्लीमेंट्री आपकी न लगी हो। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आप एग्जिट एग्जामिनेशन में तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपकी किसी भी सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में बैक ना लगी हो। अब देखिए, अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की BTUP की, तो जो इसका रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कि रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी स्टेट हैं कि जहाँ पे कि अभी तक डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जो है उसको कंडक्ट ही नहीं करवाया गया है, उसको नवंबर या फिर दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, उसको जनवरी या फिर फरवरी में एग्जामिनेशन को कंडक्ट जो है उसको करवाया जाएगा। तो देखिए, अभी तक बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का रिजल्ट नहीं आया है, और जो इसका रिजल्ट है वो आपका 15 से 20 सितंबर तक जो आपका रिजल्ट है वो आपका आ सकता है। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन है वो आपका नवंबर महीने में आपका होने वाला है। तो देखिए, अगर आपका 15 से 20 सितंबर तक अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप इसको मान के चलें कि इसी के आसपास जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन का ऑनलाइन फॉर्म होगा वो भी आपका आ जाएगा। तो अगर आपकी बैक नहीं लगेगी, आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी फाइनल ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगी होगी, साथ में अगर आपकी फर्स्ट ईयर में बैक नहीं लगी होगी, आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास पास होंगे फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में, तभी आप एग्जिट एग्जामिनेशन का फॉर्म ऑनलाइन कर पाएंगे। अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगी होगी तो आप एग्जिट एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना गजट जो है उसको पब्लिश किया था, उसमें आपको सारी डिटेल पढ़ने को मिल जाएगी। आपको किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको उस गजट को पढ़ना है, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर लिखी गई हैं कि आप एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपकी किसी भी सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में बैक ना लगी हो। तो देखिए, जब आपका 15 से 20 सितंबर तक जो आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन फार्मेसी का रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा, और आप और अगर आपकी बैक नहीं लगी रहेगी तब आप एग्जिट एग्जामिनेशन का जो फॉर्म होगा उसको आप अप्लाई कर सकेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कि जो एग्जिट एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो कब तक आ सकता है। देखिए, अगर यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नवंबर के अंदर एग्जिट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, तो देखिए अभी आपका अगस्त चल रहा है, ठीक है, अभी आपका अगस्त चल रहा है, उसके बाद सितंबर आएगा, उसके बाद अक्टूबर आएगा, उसके बाद नवंबर आएगा, यानी कि यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को नवंबर में एग्जामिनेशन करवाना है, उसके पास सिर्फ 2 महीने का समय है। इसी 2 महीने में सभी बड़े अनाउंसमेंट हो जाएंगे, यानी कि जो आपका एग्जिट एग्जाम का जो आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा उसको फिल किया जाएगा, उसकी जो फीस होगी वो भी आपकी ऑनलाइन पेमेंट होगी। तो ये सारे जो यहाँ पे मेथड है, प्रोसेस है, वो आपका इसी 2 महीने में होने वाला है, और आप इसको मान के चल सकते हैं कि एक महीने के अंदर जो आपका एग्जिट एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो आ सकता है। उसके लिए कोई पोर्टल बनाया जा सकता है और उस पोर्टल से आपको एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो रिजल्ट है वो जब आ जाएगा और आपकी बैक नहीं लगी रहेगी, आपकी सभी बैक फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर में क्लियर होगी, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कि अभी तक डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो देखिए वो इस एग्जिट एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उनको एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए अगले साल का वेट करना होगा जब सेकेंड एग्जिट एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।